लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस सृष्टि जे में हमनी रहे ले वो धर्म पर टिकल हुए और धर्म वेदन पर टिकल हुए। एगो मान्यता बा वेदो अखिल से धर्मो मूलम, अर्थात ई अखिल विश्व के जो मूल हो वेद है और वेदन के माता गायत्री है। गायत्री से ही वस्तुतः इस सृष्टि की उत्पत्ति भइल और गायत्री ही हमार समस्त समस्याओं के हल समाधान निकालने में सक्षम है। गायत्री सद्बुद्धि के देवी है। गायत्री दोसर देवी देवताओं लोग के उपमा में नहीं आवेली। गायत्री के बारे में आजे बहुत सारा भ्रम हवे, अनेकानेक प्रकार के गलतफहमी लोगन का मन में हवे कि गायत्री केकर माध्यम से होके के चाहे और केकर माध्यम से नहीं। आज के इस विशेष परिस्थिति में जब हम अनास्था के बहुत भयानक युग से गुजर रहल हवे, आपके और हमन सबके जाने के चाहिए कि गायत्री का है, गायत्री के हम कौन तरीका से मानी, एकरा खातिर हमनी के का करे के चाहिए, कौन तरीका से गायत्री के स्वरूप के समझे के हुई और गायत्री महामंत्र एक जन जन खातिर हर व्यक्ति खातिर युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य सुलभ कर दिले और आज करोड़ों व्यक्ति एक जप करे के लाभ प्राप्त करत हुए। हर व्यक्ति लाभ कैसे प्राप्त करे और अपन कष्टन से दुखन से शोक से ताप से मुक्ति पा सकेले, यही खातिर इस गायत्री धारावाहिक यहाँ प्रस्तुत कल जा रहा है। पूरा आशा है कि आपके मन के संदेह मिटिए, भ्रम निकलिए, असमंजस। भारत भूमि ऋषियन तपस्वियन के भूमि रहल है। समय समय पर महामुनि जन ई भूमि पर तप कैलन और भारत के अद्वितीय गरिमा प्रदान कैलन। संसार में एही ऐसन देश हवे जे मंत्र और जप के बदे प्रसिद्ध हवे। अनेक मंत्र हवन इहां और मंत्र जप आपन सनातन धार्मिक परंपरा भी रहल है। अभे तलक हमनी मंत्रन और जप के ईश्वर के साधना के मात्र एगो साधन ही मानत रहली है, परंतु ई मंत्र केवल साधना के एगो निमित्त ना होई के अपना आप मा विज्ञानो हवे, जे मस्तिष्क के अलावा हमनी के शरीर के क्रिया के भी प्रभावित करेले। गायत्री, गीता, गंगा और गौ ई भारतीय संस्कृति के चार आधार शिला हवन और एकरा में सबसे पहल के स्थान गायत्री मंत्र के हवे। एही गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहले हैं, गायत्री छंद सामहम, अर्थात छंदन मा छंद हम गायत्री हैं, अर्थात गायत्री उ मंत्र है जेकर महिमा सबे गावेलन। गायत्री मंत्र का है, एकर जन्म कहवा से भइल, आपन ई जटिल प्रश्न के समाधान करे के बदे देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचलन। नारायण नारायण। तबहिये एगो कमल नाल प्रकट भइल। ऊपर के तरफ उठते उठते जलस्तर तक पहुंच गइल। एकरा बाद ऊ कमल के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट भइलन। उई असमंजस में रहलन कि उ कौन हवे, इ कमल और इ जल कैसन हा। ओकरा बाद
कमल नाल के ओर छोर जाने खातिर उ कमल नाल में गईले। बहुत गहराई तक जाए के बाद जब उनके ऊ कमल नाल के छोर नाही मिलल तो फिर से कमल के ऊपर आई के बैठ गेले। अंधकार, मात्र अंधकार, कुछो नहीं खे दिखात, चारों ओर अंधकार, केहू बतावा हम के हैं? तू ब्रह्मांश, ब्रह्मा हव, तोहार उत्पत्ति नाल अर्थात जल में सोई वाला नारायण के नाभि कमल से भइल ह। आप के हैं? परब्रह्म शक्ति। आप हमरे सामने प्रकट काहे नहीं होत है? हम प्रकट है, तोहरा सामने ही तो है। ता हमरा देखा काहे नहीं खे? हम अरूप है, पर हर जगह व्याप्त है। हमार उत्पत्ति के उद्देश्य का है? सृष्टि के निर्माण। परंतु सृष्टि के निर्माण हम कैसे करें? गायत्री की कृपा से उहे तोहरा की शक्ति और युक्ति देई हन। गायत्री? गायत्री के है? जी परब्रह्म है, उहे गायत्री है, अर्थात हम। जे गायत्री है, उहे परब्रह्म है, गायत्री के जप करा। कैसे? इ महामंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सृष्टि की रचना प्रारंभ करा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णु भगवान से गायत्री के उत्पत्ति के विषय में जाने के भी देवर्षि नारद फिर से आपन समस्या के समाधान खातिर महादेव शंकर के पास कैलाश पहुँचलन। प्रभु, का यही प्रकार गायत्री के उत्पत्ति भई? हाँ देवर्षि, यही प्रकार गायत्री के उत्पत्ति भई, और गायत्री मंत्र से ब्रह्मा सृष्टि के रचना कैलन। ओकरा बाद देवता ऋषि मुनि गायत्री के आराधना करे लागल, एही से एकरा ब्रह्म विद्या कहल गई है। प्रभु, ई जगत का तत्व गायत्री ही हवल? हाँ मुनिवर, ई गायत्री देवी ही ब्रह्म विद्या के माध्यम से ई जगत के सृजन करत हवे, विष्णु के माध्यम से विश्व का पालन करत हवे, अर्थात हमार माध्यम से संहार करत हवे।
इस स्वरूप के स्मरण करे वालन के सब्बो पाप के नाश हो जाता है, सब्बो मनोरथ सफल हो के उनके मोक्ष के प्राप्ति होता है। तो एकर अर्थ ई भइल प्रभु के परम पिता ब्रह्मदेव भी गायत्री मंत्र के 24 अक्षरण के लेके चारों वेद बनैलन। हाँ देवर्षि, प्रतीक अक्षर एक एक स्वर्ण शिक्षा के प्रतीक है, बुद्धि के सन्मार्ग मा प्रेरित करे। प्रभु, वर्तमान युग में व्याप्त विकार, असंतोष, उथल पुथल के समाधान का गायत्री मंत्र से हो सकेले? हाँ देवर्षि, अवश्य हो सकेले। केवल जन साधारण के एकर बोध की आवश्यकता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, नारायण नारायण। गायत्री मंत्र के महिमा असीम है, समय समय पर ऋषि मुनि एकर जप करत रहली है और ई जप से होए वाला अद्भुत लाभ के बखान करत ऊ लोगन ई मंत्र के महिमा के गान कैले। काल चक्र से जब पीछे के तरफ झांकत हैं, तब हमका उ महान ऋषि के छवि देखा था, जवन गायत्री मंत्र के साधना से अनेक सिद्धि प्राप्त कैले। उ महान ऋषि के नाव रहे विश्वामित्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौन सा लक्ष्य सिद्धि बदे तो ऐसन कठोर तप कैला? सबसे पहले माँ के दर्शन। हम महाराज विश्वरथ और उनकर सैनिकन के भोजन के आमंत्रण देले हैं। आश्रम का मर्यादा रखी, उनकरा स्वादिष्ट भोजन कराई। इतना कम समय माँ, इतना स्वादिष्ट भोजन, इस साधन बिना आश्रम में इतना जल्दी कैसे बन गए?